हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे आप लोग। तो मेरी डेली ब्लॉग्स में आप लोगों की बहुत स्वागत है। देखते हैं मेरे लाल क्या कर रहा है। काइडो, क्या कर रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो। मेन गेट खुला रहता तो घर से बाहर चला जाता है। वो पूरा दिन अकेले बोर हो जाता। उसकी दीदी वगैरह आएंगे सब 22 तारीख को। सुबह उठ चुकी थी मैं 8 बजे। खाना पीना मैंने बना लिया था, चाय पी ली मैंने पहले। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई। अब मैं घर के काम चालू करने जा रही हूँ। कायरू की बुआ जाएंगे ऑफिस, उनके लिए लंच बनाना है। वो पत्ता गोभी लेके नहीं जाती, उनके लिए चावल फ्राई करना है। इस लड़के से मैं बहुत दुखी हूँ, गेट खुलते साथ बाहर चला जाता है। मैं आ चुकी किचन में, चावल फ्राई करूँगी दीदी के लिए। मौसम इतना चेंज हुआ, बच्चे इतना बीमार पड़ रहे हैं। दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है। कैरू क्या बोलना चाहता है सबको बताओ जल्दी। कैरू ने नया चैनल खोला है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल का नाम तो बता दो। मम्मा पापा का नाम क्या बताओ जल्दी। आपकी बातें तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। मैंने इसको दिया था पजल खेलने के लिए, देखो ये क्या करता है। कायरो क्या कर रहे हो आप? ऐसे दिखा रहा कितना सारी है ये। तो यहाँ मेरा चावल फ्राई कर दिया मैंने, रेडी है। अब मैं दीदी के लगाऊंगी लंच। सुबह के साथ उनकी लंच पैक करी, सब्जी वब्जी बनाई, उसके बाद चाय पी, उसके बाद आप सब लोगों के सामने। मुझे वहां से उठा के लाया कि मम्मी पजल बनाने में हेल्प करो। अभी मेरा बेटा दादी को लेने के लिए गया और देखो कैसे फैला के गया पूरे घर। देखो बाहर का नजारा दिखाऊं मैं आपको। दो तीन दिन से बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी तो मौसम ठंडा है। कायरू आ चुका अपनी दादी को लेके। आओ, कहाँ गए थे आप जल्दी बताओ, कहाँ गए थे? दादी को लेने के लिए गए थे। कायरू दादी को लेके आ चुका है। मैं कर रही हूँ इसके दादा के लिए दूध गर्म। पापा रोज दूध पीते सुबह। दूध में घर आते साथ इनकी सेट आनी चालू। वॉशिंग मशीन में सेट कर देती हूँ आधा घंटे के लिए। उसके बाद में बर्तन लगा दिया है, अब मैं जा रही बर्तन धोने। काम खत्म हुआ नहीं है। कायरू क्या कह रहे थे दादा? कायरू से बता। मम्मा ने झाड़ू लगाया नहीं, खुद ही उठा लिए झाड़ू। कायरू क्या कर रहे हो आप? झाड़ू तो नहीं फेंकोगे? कायरू की एक और बात बताती हूँ आप लोगों को।
कायरू करता क्या है, सारे सामान घर से ले आएगा, घर से ले आने के बाद यहाँ से हाथ निकाल के फेंक देता है बाहर नीचे। एक बार तो मेरा फ़ोन भी गिरा चुका था ये, अब कहाँ गया ये लड़का। कायरू की फ्रेंड कौन है वो? रही काव्या जब वीडियो बना रहा है। बर्तन मैंने धो दिया है, अब ये गैस साफ करना है मुझे। कायरू आके मुझे हेलो गाइस, मैं नहा के निकल चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, 2 बजने वाला है और मैं अब बाथरूम धो रही थी। हाथ से कपड़े धोए थे, कायरू की डैडी की एक शर्ट था वो धोया मैंने हाथ से, और मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने, उसके बाद मैं मिलती हूँ रेडी होके आप लोगों से। मैं हो गई रेडी और एक गलती मैंने कर दिया है, लगता है आज कायरू के पापा आके मुझे डांटेंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सारे कपड़ों के संग इनकी शर्ट भी चला दिया था मशीन में और इनकी शर्ट में कलर लग गई है। आज पता नहीं आके क्या बोलूँ ऑफिस की शर्ट पर। अभी जस्ट बारिश हुई थी, अभी धूप निकल रही है, मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि घर के और लोग कहाँ हैं, तो मैं बता देती हूँ घर की और भी लोग ऊपर हैं। ऊपर मम्मी पापा के रूम में, मम्मी पापा ऊपर है, खाना जैसे बन जाते तो बुला लेते, आके खा लेते इन लोग। मेरे लाल उठ चुका है, मैं तैयार कर देती हूँ उसको पहले। आज मौसम ठंडा है तो नींद नहीं लाऊंगी, आज मैं बना रही खाना वरना लेट हो जाएगा, अगर उठ जाएगा तो फिर मिलते हैं। मैं बना रही मसूर की दाल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों कुकर में दाल चावल चढ़ा दूंगी और कारों के लिए मैं थोड़ी सी आलू फ्राई करूंगी, आलू बहुत पसंद है। यहाँ मैंने दाल चावल दोनों चढ़ा दिए, उसके बाद में आलू की, आलू मैंने काट के रख दिया, कायर काट के रख दिया मैंने, ये हो जाएंगे तो मैं फ्राई कर दूंगी। कायरू को बहुत पसंद है ये वाला आलू फ्राई, कायरू अभी भी सो रहा है और धूप जो भी निकली थी वो भी चली गई है। कपड़े मैंने उठा के रख दिए थे सूखे वाले, अभी मैं बाद में तय करूंगी। कायरू उठ चुका है, हाय कायरू, हाय करो। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है, कायरू सो गया था ऊपर से खेलने के बाद, खेल के आने के बाद। और मैंने कायरू की खाना निकाल दिया, ये कायरू की खाना, इसकी दादा दादी भी आ गए, मैंने खाना दे दिया उनको भी, कायरू को खिला के फिर मैं खाऊंगी, मिलते हैं बाद में। बर्तन मैंने धो दिया है, किचन साफ, और 6 बजने वाला, 6:05 बाकी है। मैंने सोचा कि कायरू कहाँ गया, कायरू कहाँ गया, कायरू यहाँ है, फ्रिज खोल के खड़े हैं भाई साहब, ये देखिए। अगर फ्रिज लॉक ना करूँ तो ऐसे काम बढ़ाते हैं ये मेरे पूरा दिन में 10 काम तो मेरा यही बढ़ा के रख देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने, कपड़े वपड़े उठा के लिया हूँ, देखो आज हाथ पाथ धो लिया है मैंने, जा रही पूजा करने, मुझसे पहले तो कायरू पहुँच चुका है यहाँ पर। कायरू जय जय करने आए आप, दिया बत्ती कर दे। कौन जय जय कर रहा है हम लोगों के साथ?
कायरू क्या क्या कर रहे हो आप? कायरू के पापा अभी तक नहीं आए, बुआ भी नहीं आई है? बोलो अब कायरू सोच रहा है पापा आए तो ये घूमने जाए बाहर, पूरा दिन घर में बोर हो जाता है। पूजा कर लिया, अब चाय बनाऊंगी, चाय बना के मम्मी पापा को दूंगी, उसके बाद खाना की तैयारी। कायरू के पापा आ गए, कायरू गया भागते हुए। मेरी निकल चुकी चाय, चाय पी के मैं करूँ खाने की तैयारी। शाम की तैयारी में पापा चिकन लेके आए, चिकन बनाऊंगी दाल डाल के, अलग यूनिक। तो मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे कल। मेरी YouTube चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक करिएगा मुझे, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो गुड नाइट मेरी तरफ से सबको, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।